हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की ये स्टार्ट कर दें वीडियो को आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाई वॉट नेम डू यू नो दी इन्फॉर्मेशन गिविन बिलो दी बोर्ड यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस आएगा ठीक है यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब uh, ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं जर्नल एडजस्टमेंट लेज़र या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाते हैं एडजस्टमेंट ठीक है adjustment. जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशनस होती हैं वो लिखी होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं ठीक है ठीके? तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज नेम्ड इन अकाउंटिंग द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी बाई इट्स कॉन्स्टेंट यूज यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ड्रॉइंग डेप्रिशिएशन या फिर नन ऑफ दिस वेरी सिंपल उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन ठीक है नेक्स्ट आते हैं वॉट वाई वॉट नेम डू यू नो द अमाउंट विदड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ बाई दी ओनर ऑफ द बिजनेस यानी कि जब कोई बिजनेस मैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं ड्राॅइंग इंटरेट अप्रीशिएशन या फिर नन ऑफ दिस राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राॅइंग्स उसको ड्राॅइंग कहा जाता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन बिच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर या यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया ट्रेडिंग अकाउंट uh, के ट्रायल uh, बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज गिवन इन साइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड अगर ट्रायल uh, बैलेंस के अंदर डेप्रिशिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे या फिर कैश अकाउंट तो देखिए यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा टू अगर वो अग, अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ प्रोविजन यानी कि क्या प्रोविज़न है जर्नल रिजर्व स्पेशल रिजर्व कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी इन सब के बारे में जो जा आप जानते जा होंगे जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अमाउंट को स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज करना है किसी पर्टिकुलर पर्पस से या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज करना है ठीक है कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है ठीक है तो ये सारे हैं, तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है तो प्रोविजन हमारा कहलाता है। है, तो टू यहां पे हमारा आंसर होगा। जर्नल वॉट इज दिस एक्यूरेसी यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है तो देखिए ऑप्शन में यहाँ है एरर्स ऑफ कम्प्लीट ओमेशन एरर्स इन पोस्टिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दी अबव तो देखिए यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमेशन क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से तो ये पूरी तरह से छूटी हुई uh, uh, गलती है हमारी या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सस्पेंस अकाउंट इज रिटेन ऑन द साइड ऑफ द बोर्ड इन विच अकाउंट इट इज़ ऑथर्ड यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में आ, जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋण पक्ष की ओर लिखा हुआ है यानी कि हमारे डेटि डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेस साइड इन बैलेंस शीट या फिर लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में यानी कि साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट टू अकाउंट यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है तो क्या कहलाती है वन साइडेड टू साइडेड थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए ये नाम से भी आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट टू अकाउंट्स में करने से रह गई है तो ये हमारे टू साइडेड एरर कहलाती है तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है

इन करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं कंप्लीट एरर टू साइडेड एरर वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट किस क्यों क्रिएट किया जाता है पर्पज़ क्या होता है देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है कई बार जब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है जब हम, हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का तो हम वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पर शो कर देते हैं जिससे कि बाद में अगर हमें कोई आ, एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाए तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई वन साइड की एरर है तो इसलिए यहां पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है तो ऑप्शन थ्री यहां पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है लिफो मैथड फिफो मैथड मीफो मैथड या फिर हिफो मैथड तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लिफो लिफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी लास्ट एंड फर्स्ट आउट फीफो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मीफो हिफो इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया ऑप्शन टू जिसको बोलते हैं फीफो मैथड ठीक है बहुत सिंपल है ये आप कर लेंगे नेक्स्ट है वॉट इज द नेम ऑफ द मैथड ऑफ लास्ट कम लास्ट फर्स्ट आउट लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखियो नाम से डायरेक्ट पता तो चल रहा है हमारा हो गया लिफो मेथड ठीक है नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में uh, जो हमारा uh, माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है बायर्स के ऊपर ओनर्स के ऊपर एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अब तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग गुड्स यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है प्रॉफिट लॉस कमीशन या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन ऑप्शन थ्री यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं Lander, consignor, या फिर all of the above. तो जब माल भेजता है, तो वो पर्सन कहलाता है हम उसको प्रधान भी बोलते हैं प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं तो ऑप्शन फोर यहाँ पे ऑल अब राइट आंसर हो जाएगा Next है द डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसिस ऑफ गुड्स आर सेंट बाय दू द ओनर बाय वॉट नेम डू यू नो दैट डिटेल्स यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्योरे को मालिक के पास वो भेजता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं रॉ इन वॉयस इन वॉयस सेल्स स्टेटमेंट या फिर ऑफ़ दीज तो फ्रेंड्स इसको हम सेल uh, डिटेल्स uh, भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा इन नहीं भेजता है वो भेजता है सेल स्टेटमेंट मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में आप मतलब जो भी कंडीशन है या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है ठीक है नेक्स्ट है दो तीन पांच या चार तो, की बात करें, तो यहाँ पर दो पार्टी होती है ऑप्शन और कंसाइनी ठीक है दो पार्टी होती है वेन टू और मोर पीपल मेक अ टेम्पररी पार्टनरशिप टू डू अर्टिकुलर टास्क इट इज कॉल्ड यानी कि जब दो या दो से आ, ज, ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्प्रेरी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप एजेंसी ज्वाइंट वेंचर या फिर ऑल अवर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्प्ररी की बात की जा रही है अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब तो हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता वो जब यहाँ पे लिखा होता है वेन टू और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था लेकिन यहाँ पे टेम्प्रेरी की बात की गई तो टेम्प्रेरी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा ज्वाइंट वेंचर क्योंकि ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है बट इसमें क्या होता है टेम्प्रेरी होता है जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्प्रेरी और पर्मानेंट नहीं होता है क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहां पर नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे ठीक है कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा लेकिन टेम्प्रेरी हम उसको नहीं बोलेंगे लेकिन यहाँ पे टेम्प्रेरी मैंशन है यानी कि ये ज्वाइंट वेंचर है ठीक है नेक्स्ट है वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इन अ ज्वाइंट वेंचर अब ज्वाइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं दो पाँच सात या आठ तो मिनिमम टेम ज्वाइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम दो होते हैं और मैक्सिमम uh, पाँच सात जितने भी हो, हो लेकिन मिनिमम यहाँ पर दो होंगे मेंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू वेंचर करते हैं तो है? फ्रेंड्स no तो बात करेंटर की तो वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा है, अब देखिये मैक्सिमम नंबर आ गए मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर ऑफ में ज्वाइंट वेंचर अब ज्वाइंट वेंचर में कितने मैक्म पर्सन या मेम्बर्स होने, होने चाहिए ऑप्शंस हैं दस, बीस, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर पचास तो राइट आंसर है सी अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है तो नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है नोमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट या फिर बिल और बिलों की, की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं तीन दो पांच आठ तो ये सबको पता होगा बहुत ही सिंपल है आंसर जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी थ्री डेज ठीक है ऑथर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन्स ऑफ दिस एक्ट यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के जो लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस न, एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजैक्शंस इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी एक्ट इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन बी बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है छह माह एक वर्ष दो वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है एक वर्ष यानी कि एक वर्ष तक के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड को भी मान सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च होता है या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है लेकिन ये एक साल का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं विच इज क्वानिटेट क्वालिटेटिव विच इज़ सब्जेक्टिव विच इज़ बिज बिजी विद मनी या फिर जो मनी में uh, के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है या फिर नन ऑफ दिस तो ये भी बहुत सिंपल है जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है जैसे कि आउटसाइड इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी कर आएगी ऑप्शन है कैपिटल कैश क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है हमारा कैपिटल कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट वैल्यू इज़ एन आर्टिकल अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन ठीक है यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शनस हैं रियल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दिस तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रियल वैल्यू पर वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अकाउंटिंग एजम्पन्स यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पन्स हैं वो हमारी कौन कौन सी होती है एक्सचेंज पीरियड यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पन्स की बात करें तो आपने सारी एजशंस पड़ी होंगी कि एक्सचेंज um, भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो सारे यूनिट uh, में मेजर किए होने चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू आई में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है इनकम रिसीवेबल इनकम रिसीव्ड इनकम रिसिवेबल और इनकम रिसिव्ड या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसिवेबल है यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है वो सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज असोप्ट यानी किस मैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडोप्ट करता है या फिर वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजली बता सकते हैं एक बिजनेस मैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है कहाँ से रेस करना है कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं हाउ इज़ कॉस्ट ऑफ़ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी वो हम किस तरह से करते हैं मैं रीजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है कॉस्ट को फाइंड आउट करना है इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज डन कीपिंग इन माइंड द वैल्यू कन्वर्टेड इन टू करेंसी अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे मैनेजीरियल अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम ये देखेंगे कि जो हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में ठीक है तो वहां पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री इज डन इन सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वेज यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में सोशल अकाउंटिंग कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजेरियल अकाउंटिंग तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं वॉट इज द बुक ऑफ इनिशियल आर्टिकल्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटेन डेट वाइज यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट uh, वाइज सारे चीजों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर ठीक है ये याद रखिएगा ऑप्शन है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल ठीक है सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रिपेयर वैन प्रिपेयरिंग जर्नल हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है सेवन फाइव थ्री एंड फोर तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय फाइव कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं उसके बाद ये हमारा एल होता है लेजर और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव कॉलम से प्रिपेयर होते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है दो चार तीन या फिर पांच तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे तीन तरह के होते हैं अब वो कौन कौन से होते हैं एक होता है हमारा रियल अकाउंट एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट है द रेसिपियंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच रिच इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक् अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर ठीक है ठीक है अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है तो एक किस चीज़ का रूल है रियल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्रेंड्स ये रूल्स इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता वास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं ठीक है रूल्स बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन पे राइट हो जाएगा ये हमारा पर्सनल का रूल है, हमें बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं Assets and liability, expense, and profit, debtors and creditors, या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते इसमें से क्या संबंधित है तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट इज अब कैश अकाउंट क्या है रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन जो कि हमारा रियल अकाउंट कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट तो किस अकाउंट प्लांट अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट इज अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है रियल अकाउंट जर्नल अकाउंट पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है ये भी हमारा रियल अकाउंट है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर uh, हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट इन मिसेलिनियस एक्सपेंस अकाउंट प्लांट अकाउंट या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को इस्टैब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में ठीक है अकाउंट में तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अनपेड एक्सपेंसिस इज अकाउंट अब अनपेड एक्सपेंसिस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो यहां पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसिस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तो यहाँ पर देखिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट दी फॉलोइंग इनकम अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है इंटरेस्ट कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है कमीशन एक्सपेंस ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है ठीक है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है ठीक है बाय वॉट नेम डू यू नो दी ओनर्स कैपिटल इंक्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं प्रॉफिट ड्रॉइंग लॉस या कैपिटल बहुत सिंपल है इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं ऑप्शन ए हम पर हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है बिल्डिंग बैंक लोन इन्वेस्टमेंट या सैलरी इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है ठीक है सैलरी हमारे लिए है क्योंकि सैलरी हमें देनी है ठीक है

जो हमारी मेन बुक होती है उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ये बताना है कैश बुक सेल्स बुक परचेज बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक ठीक है तो बताइए इसका क्या आंसर होगा यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है तो कैश परचेस होगी तो वो कैश बुक में जाएगी लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी बुक में ठीक है तो ऑप्शन पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है हमें ये बताना है ऑप्शन है टू राइटिंग ऑफ गुडविल विल इन कम्प्लीटिंग दैपिटल लॉसेज बोथ ए एंड बी ए और नन ऑफ दी अब तो देखिए जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है ये हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय वहाँ पर उनसे हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं तो देखिए इन आ, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन वन है टू राइटिंग ऑफ गुड विल एंड सेकेंड ऑप्शन इज इन कम्प्लीटिंग कैपिटल लॉसेज ये दोनों ही करेक्ट हैं हम अपने इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है हम उससे अपने ये चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा प्रिमिनल एक्सपेंसेस भी हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है किस अकाउंट के नाम से वो हमें बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जर्नल रिजर्व अकाउंट स्पेशल रिजर्व अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है तो प्रॉफिट प्राय टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो हमारा पूंजीगत लाभ की तरह होता है पूंजीगत लाभ का मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रॉफिट की तरह होता है और इसको हम कैपिटल जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाता है तो याद रखिएगा कैपिटल प्रॉफिट की तरह है इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे स्पेशल रिजर्व में जो स्पेशल चीज के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं सिर्फ उनको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्रॉफिट प्राइव इन कॉरपोरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं हमारे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस की तो वो यहाँ पर आते हैं इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट प्राय टू इनकॉरपोरेशन हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते अब प्रॉफिट प्राय टू इनकॉरपोरेशन जो है वो कहां पे ट्रीट नहीं किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट विद लॉस ऑफ विद लॉस हमें इसमें से बताना है कि क्या नहीं हो सकता तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्राय टू इनकॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं जो लॉस होता है उसमें तो देखिये अगर हम प्रॉफिट uh, इनकॉरपोरेशन uh, के समय हमारा जो लॉस um, होगा हम उसको किस तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रॉफिट प्राय टू इनकॉर्पोरेशन लॉस प्राय टू इनकॉर्पोरेशन ये होते हैं ये हम कभी भी पी एंडल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं इनको हम हमेशा जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं जैसे कि राइट ऑफ के लिए हम गुडविल अकाउंट यूज करते हैं फिल्मनी एक्सपेंसि कैपिटल अकाउंट ये सारे अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट हो गया इनमें हम डेबिट कर सकते हैं लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रीट

उस लॉस को शो नहीं कर सकते इसलिए पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारे डिफेक्टिव होती है इस सिस्टम में क्यों क्या कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे डिफेक्टिव कही जाती है

कोई भी आइटम हो उसकी एंट्रीज डबल साइड की जाती है उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ यही बात है कि पर कोई भी अकाउंट इस तरह का प्रिपेयर नहीं किया जाता फिर चाहे वो बैलेंस हो पेंडल अकाउंट हो ट्रेडिंग एंड अकाउंट या फिर वो बैलेंस शीट हो इसी कारण से यहाँ पर ये हमारे डिफेक्टिव मानी जाती है तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं इसी कारण हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफेक्टिव सिस्टम कहा जाता है ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डेल क्रेडियर्स कमीशन इज पेड टू दी एजेंट फॉर अब जो हमारा डेल क्रेडियर कमीशन है डेल क्रेडियर कमीशन आप समझते होंगे इसको अभिकर्ता कुश प्रतिशोध कमीशन भी कहा जाता है ये क्यों दिया जाता है उसके हार्ड वर्क के लिए मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस है यानी कोई भी अचानक से कोई एक्सपेंस हो रहा है इसलिए अंडरटेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम वायर्स या फिर अचीविंग टारगेट्स ऑफ सेल्स सेट बाय द प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल द्वारा जो प्रिंसिपल का मतलब यहां पर यह है कि जो भी उसने उसका प्रधान है या हेड है उसने जो सेट किए हैं वहाँ पर टारगेट बनाया है वो अचीव करने पर उसके लिए दिया जाता है तो क्या पर्पस है कि डेल क्रेडिटर कमीशन उसके एजेंट को दिया जा रहा है तो देखिए अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन की बात करें तो डेल क्रेडियर कमीशन में ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको ले ले इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स अब बायर्स पेमेंट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एजेंट की है कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं ये सिर्फ एजेंट को देखना है इससे जो भी प्रिंसिपल है या फिर जो हैड है या जो Uh, जिसका वो सामान है जिसने उस एजेंट को रखा है उसकी कोई वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई एजेंट के ऊपर इसलिए एजेंट को ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है जिसको डेल क्रेडियर कमीशन कहा जाता है मेन पर्पज इसका यही होता है कि प्रिंसिपल जो है वो इस छुट जो भी रिस्क है उससे बिल्कुल फ्री हो जाए उसको इस बात की कोई टेंशन ना हो कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं ये सारा काम देखना फिर एजेंट का काम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम पायर्स ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अमरी ओ अब जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस चीज की समरी है आपको ये बताने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैश बुक की बैलेंस शीट की या फिर बैंक अकाउंट की तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पे समरी की बात करें तो ये यहाँ पर हमारे आ, किसको बताती है कैश को क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है आ, इसके अंदर ये देखते हैं रिसीप्ट का मतलब है कि आपने आपके, आपने कितना कैश आप सबको कि अकाउंट पे किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके अंदर ये देखते हैं की कि कितने उनके पास इनकम आई इनकम इन द सेंस जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया या फिर जो भी फीस उनने ली, वो कितनी आए, और कितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ बैलेंस शीट आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है बैंक अकाउंट आपको पता है बैंक अकाउंट के अंदर हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन uh, को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैश बुक हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ये हमारी समरी कैश बुक की समरी होती है जिसके हमें uh, हम इजिली पता कर सकते हैं कितना हमने रिसीव किया कैश और कितना हमने पेमेंट किया ठीक है तो आई होप ये भी आपको क्लियर है एस पर गार्नर वर्सेज मोरे प्रिंसिपल अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो उसमें आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी होती है ऑफ द पार्टनर डेफिशिय बॉन्ड पार्टनर्स दार्टनर्स यानी कि किसी पार्टनर की तो अदर पार्टनर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो बॉन्ड की जाती है यानी कि वो लोग पार्टनर्स उसको लेते हैं किस रेशियो में आपको ये बताना है इक्वल शेयर बाय ईच यानी कि सभी लोग इक्वली लेंगे रेशियो ऑफ दियर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और नन ऑफ दवाव अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दे दिया है तो आप इजिली इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं तो देखिए गार्डनर वर्सेज मोरे रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉलमेंट हो जाता है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनकी जो भी कैपिटल होती है उसके रेशियो में आपस में उसको बियर करते हैं ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन टू जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ दियर कैपिटल यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात तो ऑप्शन टू हमारा क्या है राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आई होप इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ रहे होंगे अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक साथ देख रहे हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक like भी जरूर कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेकन प्लेस यानी कि जो अभी डिसोल्यूशन uh, होता है पार्टनरशिप का वो कब होता है अब पार्टनर मिसबिहेव यानी कि कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है अ पार्टनर बिकम्स वन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर है बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस या फिर आर पार्टनर डाइज यानी कि एक पार्टनर मर जाता है तो कब होता है डिजोल्यूशन तो डिजोल्यूशन की बात करें किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तो देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्यूशन हो जाता है उसका तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जबकि मिसबिहेव करने पर उस पार्टनर को निकाल दिया जाता है लेकिन फॉर्म कभी खत्म नहीं होती और अनसॉर्नमेंट माइंड पर भी नहीं होती और बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी नहीं होगी लेकिन एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है डिजोल्यूशन हो जाता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है

वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में लेंगे इक्वली इन द देशियो ऑफ देर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर नन ऑफ द अबव तो देखिए कोई भी पार्टनर अगर इंसॉलवेंट होता है और उसके द्वारा कोई भी लॉस होता है तो जो भी पार्टनर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे उसको बियर या फिर बहन करेंगे तो यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा लाभ के बंटवारे के अनुपात में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट अब यानी कि कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट होगा किस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा रिटायरिंग पार्टनर के में होगा क्रेडिट रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ क्रेडिट होगा सभी पार्टनर्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दी अबाव तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो भी गुडविल होती है वो क्रेडिट की जाती है हमेशा सभी पार्टनर्स के द्वारा तो ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑल द पार्टनर्स हमारा राइट आंसर हो जाए सभी साथियों के साथ उसकी जो ख्याति होती है या फिर गुडविल होती है उसको क्रेडिट किया जाता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ फर्म द परचेस कंसीडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ अब किसी फॉर्म को हम सेल करते समय जो भी परचेस कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है शेयर या फिर डिवेंचर के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में किस रेशो में यानी कि जब भी हम शेयर डिवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनल अकाउंट अमाउंट टू पार्टनर यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो सॉरी पार्टनर्स का जो कारण जो भी फाइनल अकाउंट आया है उस रेशियो में कैपिटल के रेशियो में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर इक्वल रेशियो में तो देखिए कभी भी हम फॉर्म को सेल करते हैं तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनको हम साझेदारों में उनके फाइनल अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कारण हुआ है उस रेशो में हम उनको क्या कर देते हैं बांट देते हैं तो ऑप्शन वन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो भी भागीदार हैं के कारण जो भी अंतिम राशि हमें प्राप्त होती है उस रेशो में बांट दिया जाता है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स इसको ना सद्भावना को ख्याति कर लीजिएगा ठीक है वैन गुडविल इज रेज इन दुक्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन यानी कि जब गुडविल को रेज किया जाता है यानी कि जो भी उनका गुडविल अकाउंट है उसमें दिखाया जाता है खोला जाता है ठीक है तो जो भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं पुराने पार्टनर्स होते हैं उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किस नाम से किया जाएगा यानी कि किस नाम से या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रेशो में किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग रेशो में या फिर नन ऑफ दी दबअ तो देखिए जो भी गुडविल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है वो पुराने साझेदारों के हमेशा जो भी पूंजी खाते होते हैं उनको जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसके थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है ठीक है गुडविल अकाउंट को किसमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी उनका पुराना लाभानी खा लाभानी रेशो था उसमें बंटवारा किया जाता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग इज कंपलसरी अब जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपलसरी किस कंपनी के लिए है वो हमें बताना है ऑप्शंस हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इन सोल ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप और ऑल ऑफ दी अबव देखिए ऑडिटिंग की बात की जा रही है तो ये आप सबको पता है सोल ट्रेड क्या होता है जिसमें एक पर्सन होता है और वो पर्सन Uh, मैं जो भी उसकी प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के जो भी उस बिजनेस के लॉस होंगे उसको उसी को बेयर करना है कोई और पर्सन उसके लिए लाइबल नहीं है और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है दो से अधिक लोग होते हैं दो या दो से अधिक और उसमें वो लोग म्यूचुअल लो, कंसेंट से अपनी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो भी वो कंडीशंस बनाते हैं उसके बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं दोनों ही बिजनेस के अंदर कोई बाहर से पार्टी नहीं आई है इन्वेस्ट करने जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कोई भी शेयर होल्डर हमें नहीं पता कहाँ रहता है क्या है इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा उसमें लगा होता है तो यहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है ऑडिटिंग को करना जिससे कि ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन पोजिशन जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं जो भी बुक्स में प्रेजेंट किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स वो सही है या नहीं ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए और वो किससे पता करते हैं वो पता करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट से तो यहाँ पे ऑडिटिंग हमारा कंपलसरी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सोल ट्रेडिंग के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है और ना ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो ये डिपेंड करता है कि वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं कोई कंपलशन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है The word audier means, audier का uh, word जो है उसका क्या मतलब होता है और तो तो देखिए हम बात करें। की तो, word जो है वो हमारे लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे ऑडिटिंग हमारा शब्द बना और इसका अर्थ होता है टू हेयर यानी कि सुनना ऑडिटिंग uh, में भी क्या होता है क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो वो डिस्कस करता है वो सारे सुनकर उनको चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हेयर ठीक है होगा फ्रेंड्स पे कर लीजिएगा एच ई एयर तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रेटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर अब स्ट्रेटरी ऑडिट हमारा कंपल्सरी क्यों है ये हमें यहाँ पे बताना है किसके लिए है ऑल पब्लिक कंपनीज ऑल प्राइवेट कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेचुरी ऑडिट की तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर देखिए स्टेचुरी ऑर्डिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्ट्रेचरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजंस डिस्कस किए हुए हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार टू थाउजेंड जो भी नॉर्म्स है आप उनको पढ़े वहां पर आपको ईजिली समझ में आ जाए जाएगा कि स्टेटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट और हमारा कंटिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है तो देखिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ये हमारे कंटिन्यूस बेसिस पर होती है इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है फोर्थ हो सकता है है मंथली हो सकता है वीकली हो सकता है ठीक है इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट लगातार होगी वो ऑडिटिंग और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर होती है और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट आ, में प्रिपेयर किए जाते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है तो इतना ही डिफरेंस है इसमें और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज लिमिटेशंस इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्लियर हो गया है तो ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ठीक है तो आप झिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता बता कर दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है हमारा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का स्थिर काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा मतलब क्या कम हो जाता है उससे ऑडिटर uh, का वर्क कम करने की बात करता है ये लाइबिलिटी कम हो जाती है नाइटर वर्क नॉट नॉर्ट लाइबिलिटी ऑफ दी ऑडिटर या फिर बोथ दी दी वर्क एंड लाइबिलिटी हमको बताना है कि अच्छा अगर अच्छा अगर इंटरनल चेक एक होगा सिस्टम हमारे पास तो उससे हमारी क्या चीज क्या कमी होगी कमी जो है वो हो जाएगी वहां पे बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का या उसका काम कम हो जाएगा उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी क्या कम हो जाएगी तो देखिए इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है इंटरनल चेक के अंदर अंदर जो भी भी कंपनी होती है उसके अंदर ज, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस डेल पर उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी आ, स्टाफ मेंबर्स में काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पर कर रहे हैं या नहीं उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं तो देखिए यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को अब ऑडिटर को बेनिफिट किस रूप में मिलेगा अब आपको वो बताना है तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा तो वो मिलेगा उसके काम से क्योंकि देखिए ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है तो बस उसको क्या करना होगा वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी आ, प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे तो यहाँ से क्या होगा ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा अगर इंटरनल चेक वहाँ पे किया जा रहा है और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं अगर वही मेंटेन नहीं होंगे तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता अपना जजमेंट नहीं दे सकता है ठीक है तो इंटरनल चेक से क्या होता है वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है तो ऑप्शन पे आते हैं वर्किंग पेपर्स विच कंटेन रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन बाय डन आर दी प्रॉपर्टी ऑफ अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात है जिसमें ऑडिटर बोर्ड या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असैट्स कहलाए जाएंगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें की वर्किंग पेपर्स की अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है तो वो उसके लिए क्या है वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपने प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है तो यहाँ पर क्या होता है जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा वर्किंग पेपर की हेल्प से और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है प्रॉपर्टी की बात की गई है तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा होगा कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं उनको फॉलो करना कंपनी का काम है और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी ऑडिट करा के और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर वो ऑडिटर के ऊपर है तो यहाँ पर जो हमारे असेट है अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है। है, नेक्स्ट क्वेश्चन vacancy caused बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर is filled ओनली बाय अब यहाँ पर बात की जा रही है अगर किसी भी तरह की कोई वेकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी द शेयर होल्डर्स इन दी एनुअल जर्नरल मीटिंग एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा ठीक है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी लॉ बोर्ड या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर तो यहाँ पे देखिये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए या फिर इस, इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे ठीक है तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है तो वहां पर शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे ठीक है इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट uh, किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट द स्ट्रैचुजरी कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ हमें यहां पे बताना है कंपनी एक्ट में uh, किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है सेक्शन टू सबसेक्शन डी सेक्शन टू थ्री थ्री सबसेक्शन थ्री सेक्शन ट्वेंटी थ्री सबसेक्शन बी या फिर सेक्शन टू टू फोर तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप टू थ्री थ्री कर लीजिए टू थर्टी थ्री ठीक है सबसेक्शन बी ठीक है तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्ट्रेचरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेचरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती ये सिर्फ उन्ही कंपनियों के लिए कंपल्सरी होती है जिन्हें 209 जीरो नाइन सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स है उनको रखना जरूरी होता है और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की तो देखिये ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन टू थर्टी थ्री सबसे बी में तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुक्स रिलेटेड बात की गई है टू जीरो नाइन सबसेक्शन डी में और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन टू थर्टी थ्री सबसेक्शन बी में तो इस थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स स्टैच्यूटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा ठीक है अब कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो कि सही से आ, लेज़र में तो पोस्टिंग नहीं हुई है लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं ठीक है ठीके? जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा इंटरनल कंट्रोल का ऑडिटर इंटर मैंने आप कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया बनाया जाएगा जाएगा इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए ठीक है तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है वहीं स्ट्रेचुडी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती उन्होंने तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं कंपनी रूल दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग है, कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं बस इतना काम होता है तो इसको रिमूव करना इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है ठीक है क्या रिड्यूस करेगी आपकी वर्क ऑफ एन ऑडिटर लाइब्रेटी ऑफ एन ऑडिटर बोथ अव या फिर नन ऑफ द अब अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बस पूछने का तरीका अलग है क्वेश्चन वही है अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में ठीक है थीके? तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमेटिक वे में किया हुआ होगा सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे और इविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहां पे मौजूद होंगे सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है इसका तो एविडेंस ही नहीं है ये कहाँ से एंट्री हो गई तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रेंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है When अ बिल इज डिस्चार्ज द acceptor डेबिट्स यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है क्रेडिटर्स अकाउंट को कैश अकाउंट को बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल्ड डिस्ट्रीब्यूबल अकाउंट तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी देखिये यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है तो देखिये यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा वो डेबिट करेगा क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका ठीक है तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थ्री जो है वो राइट right आंसर होगा बिल्स पेबल अकाउंट आई होप ये क्लियर होगा होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं जीरो डेट डेट तो की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया अब हमें इन दोनों में से बताना है, आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी लेकिन वो एग्जाम्पल कॉमर्स रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी देखिये फ्रेंड्स हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं ठीक है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है 1971 तो फ्रेंड्स अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना ठीक है इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा नाइनटीन ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है तो ये डेट एक देखा होगा जीरो बजट होता है ठीक है एक और एग्जाम्पल हो गया वो आपके कॉमर्स से रिलेटेड है ठीक है यहाँ पे आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते तो आपने देखा हो जीरो बेस बजट ठीक है तो जीरो बेस बजट में क्या होता है आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है जिसको जीरो बजट कहते हैं ठीक है ठीके? तो सेम ये उसी तरह से हो गया इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीरो डेट आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं मेन ड्यू डेट मीडियम ड्यूडेट मोड ड्यूडेट या फिर जीरो तो पर एवरेज ड्यूडेट की बात की जा रही है तो एवरेज का मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं जैसे कि हमारे पास टू एंड टू दे रखा है ठीक है अब टू एंड टू क्या होता है फोर अब फोर को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर रहा है टू यानी कि ये क्या है हमारी एवरेज है तो मीन वैल्यू भी हमारे इसी तरह से निकलती है मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर है मीडियन क्या होता है मीडियन यहाँ पे थ्री की वैल्यू शो करता है मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है ठीक है तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है अब वो अलग कॉन्सेप्ट है इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन और इसके साथ ही आपने मेन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे आपने स्टेटिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज अब यहाँ पर यह बताया है, जी अकाउंट करंट है वो एक क्या एक जर्नल है आपको इसमें यस yes, है या फिर फॉल्स पार्सली टू पार्सल फॉल्ड इसमें आंसर देना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है उसके बिजनेस की उसने पूरे साल में कितना काम किया है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटेलिंग की, की जाती है स्टेटमेंट में उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट अब देखिए अकाउंट करंट यहां पर डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये जर्नल तो होगा नहीं क्या हो जाएगा ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉल्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है ना कि जर्नल इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू राइट आंसर होगा फॉल्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिजेंट लाइबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट अब यानी कि जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल uh, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये यह होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है ठीक है आकस्मिक है कभी भी हो सकती है हम श्योर नहीं हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई भी अदर पार्टी हो, हो सकती है गवर्नमेंट हो सकती है ठीक है स्टेक हो स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए ठीक है तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लाइबिलिटी एक पार्ट होता है यानी कि अगर आप कंटिजेंट लाइबिलिटी आपकी कंपनी में है ठीक है और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर तो वहाँ पर क्या होगा उन लोगों को आपकी सही इन्फॉर्मेशन मिल गई उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने इसीलिए लिए कंटीजेंट लाइब्रिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन टू राइट आंसर होगा डिस्क्लोजर अब कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में ठीक है अकाउंटिंग के लिए तो आप को डुअल एंटी कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में मटेरियलिटी मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर यह है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए ठीक है मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफ़ेक्ट कर रहा है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे उसको मेंशन करेंगे अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है बाकी जो भी अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि इरेलीवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है इलीवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे और रेलिवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा कन्जरवेटिज्म कन्जरवेटिज्म के अंदर यहाँ पर यह बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटीसिपेटेड लॉसेज होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे रिकॉर्ड किए जाएंगे लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे जबकि जो भी हमारे लॉसेज होंगे उनको हम शो करेंगे ठीक है तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजरवेटिज़्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए अभी हमने डिस्कस किया था फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया द पॉलिसी टू एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस प्रोफिट ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं कंसिस्टेंसी तो ये नहीं होगा अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था डिस्क्लोजर ये भी नहीं होगा मैचिंग ये भी नहीं होगा आ गया कंजरवेटिव कन्जरवेटिज में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरलाइज्ड हमारा गेन है वो सॉरी लॉस है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज़ अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में वो हमारा क्या आ, शो करता है ऑप्शनस हैं एन असेट्स एंड लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस और कंटेंजेंट लाइबिलिटी तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा टू वो हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ यानी ऑफर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया गुड्स रिटर्न टू कस्टमर यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोपराइटर प्रोपराइटर को गुड्स रिटर्न किया फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तो ये है हमारे ऑप्शंस तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवु बुक की तो देखिए ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है उसको वापस किया गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स रिटर्न आउटवर्ड बुक ही हमें शो करता है इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ट सिस्टम इन अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है तो वो किस तरह की होती है टू कॉलम कैश बुक कैश बुक की तरह प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है फ्रेंड्स मेनली प्री कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक आ, इस, आ, अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में ख़रीदे पैन पेंसिल्स इरेजर स्केल ये सारी चीज़ें खरीदी तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी वहाँ पर ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे वहाँ पर एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पज़ होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना ठीक है क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे तो प्रटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पर उसको ट्रांसफर किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है तो वो हमारा प्रटी कैश बुक इसमें मदद करता है ठीक है तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जाम्पल स्टेशन है वो हमारी ज्यादा अमाउंट के आ गई तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं ठीक है तो ये था हमारा प्रटी कैश बुक ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलोंग विद परचेस रिटर्न अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है क्रेडिट नोट बिल्स पेबल बुक डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा है क्रेडिट नोट वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मैंशन होता है कि हमने इतने रुपये का माल सेंड किया है ठीक है परचेस रिटर्न किया है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं एरर्स अफेक्ट वन अकाउंट कैन वी अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं तो ऑप्शन देख लीजिए एरर्स ऑफ ओमिशन एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ पोस्टिंग या फिर एरर ऑफ कमीशन तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे तो देखिए फ्रेंड्स अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है कमीशन भी नहीं होगा Error of posting हमारे एक एक से से हो हो सकता है 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 कि हमने एक account में में नहीं की ठीक तो यहां पे option third जो है वो इसका right answer हो जाएगा चीजें हमारी जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है Un -un -income account is, यानि कि जो अनजित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है फ्रेंड सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं अनअर्न इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप uh, मजदूरी कर रहे हो ठीक है वहाँ पर आपने वहाँ से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिया ले ले है लेकिन आपने वहाँ पर अभी काम नहीं किया है तो ये आपके लिए क्या हो गई ये एक लाइबिलिटी है ठीक है तो अनर्न इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लाइब्रेटी का काम करेगी इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी लाइब्रेटी यानी कि डेता नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन अब डेप्रिशिएशन जो होता है वो किस पे प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर यह है किस पर लगाया जाता है ऑप्शंस हैं है फिक्सैट्स आउटवर्ड चार्जेस करंट करंट्स या फिर इंटेंचुअल तो देखिए करंट अट्स आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कट जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है अब आता है हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं फिक्स सेट्स और इंटेंचुअल तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेप्रिशिएशन वर्ड यूज किया गया है इसलिए डेप्रिशिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स सेट्स पर लगती है जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी हमारी हो गई बिल्डिंग हमारी हो गई मशीनरी ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है तो राइट आंसर हो जाएगा ए अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल इंटेंजुअल की तो फ्रेंड्स इंटेंजिबल पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको ठीक है ये लगता है हमारा इंटेंजिबल अट्स पे ये भी एक तरह से मूल्य हरासी होता है तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर और जो टेंजल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन ठीक है तो इतना आप नोट कर लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हैवी एडवरिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े आ, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या लाएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर तो फ्रेंड्स देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे न, न, को बेनिफिट देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं जैसे कि रिपेयर हो गई ठीक है और आ, अब देखिए यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है हेवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पाँच लाख का ही है ठीक है एक्सपेंडिचर तो हम इसको आप पाँच से दस साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके जैसे हर साल हम इसको पचास हज़ार करके राइट ऑफ करेंगे ठीक है तो ये अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि पाँच से दस साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसिवेबल इंक्लूड्स अब जो अकाउंट्स रिसीबेबल्स होते हैं यानी कि प्राप्त खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं तो देखिए ऑप्शन से हमारे सन्डरी डेटर्स बिल रिसिवेबल प्रोमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसिवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी ही चीजें जैसे कि विविध देनदार बिल्स रिसिवेबल प्रोमिसरी नोट ये सारे ही हमारे अकाउंट्स रिसिवेबल का पार्ट होते हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन

अब इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा तो उन उस लॉस को मिट आउट करने के लिए एक प्रोविज़न बनाया जाता है बैड डेट के नाम से अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहाँ से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे ठीक है तो प्रोविजन बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन फोर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट आते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं जैसे कि रिपेयर हो गया ये क्या करते हैं हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर जैसे कि परचेज ऑफ लैंड सैलरीज लीज या फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजिली बता सकते हैं तो देखिए यहाँ परचेज ऑफ लैंड है ये हमारे लिए हाई है ठीक है हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है ये हमारा कैपिटल नेचर का है। बोलें क्योंकि है, ये हमें बेनिफिट करेंगे ठीक है क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज नहीं है हम इस पर बहुत जनरेशन तक बेनिफिट कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ये कैसा हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा अब आता है परचेज ऑफ बिल्डिंग अगेन परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है तो ये भी ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा लीज पट्टे पर लिया है ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है मंथली बेसिस पर दी जाती है तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आते हैं। बिल्स आर ड्रॉन बाय अब जो बिल्स है वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं क्रेडिटर डेटर्स एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स के द्वारा फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के बाद हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी बहुत छोटी चीज़ है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे ठीक है अभी मुझे एकदम याद आया वो बिल्साल ड्रॉन बाय अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं क्रेडिटर डेटर्स एजेंट या ब्रोकर्स तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है क्रेडिटर्स के द्वारा नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में द प्रेजेंटर ऑफ द बिल यानी कि को जो प्रेजेंट करता है उसके में द डिस्काउंटिंग बैंक बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में या फिर द एक्सेप्टेड द इंडोर्सर तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें तो जो प्रजेंट करता है बिल को बैंक में उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल ए ने ड्रॉ किया बी पर बी ने क्या कर दिया प्रजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में अब वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पर लगाएगा बी के लिए और बी ने वो खर्चा सारा करा ठीक है तो बैंक ने नोटिंग करी तो बी ने सारा खर्चा कराया तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए नोटिंग चार्जेस हो गए अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए तो वो अकाउंट अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से कि हाँ तुम्हारा बिल ऑनर हो गया मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए हैं नोटिंग कराने में तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके ठीक है उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा ठीक है तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं और बैंक के लिए वो सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं ठीक है तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ असेट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी यूनिफॉर्म अंडर अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिशिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी हमें वो बताना उस मेथड के अंदर तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं आपने डेप्रीशियशन चैप्टर किया होंगे वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड डिमनिशिंग बैलेंस मेथड, एनुटी मेथड एंड डेप्रिशिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने महीने या हर में वही की, आ, असेट्स की की वही की की यूज जाएगी ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आ, पहले साल निकाली पांच हजार रुपए तो दूसरे साल भी पांच हजार रहेगी तीसरे साल भी पांच हजार रहेगी और चौथे साल भी पांच हजार रहेगी ठीक है फिर आता है डिम्निशिंग बैलेंस मेथड डिमनिशिंग बैलेंस मैथड में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था है तो में क्या होगा जैसे थी हमारी की हमने डेप्रिशिएशन लगाया उसपे फॉर एग्जाम्पल है पांच हजार पांच हजार इतना परसेंट होता नहीं है पांच सौ होगा हो लेकिन आप पांच हजार मालिए तो जैसे चालीस हजार में से पांच हजार आपने माइनस किया तो कितना बचा आपके पास पैतीस तो जो सेकंड ईयर होगा वहाँ पे पैंतीस हजार पर डेप्रीशिएशन लगेगी ना कि वो पाँच हजार वाली होगी यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पे डेप्रीशिएशन लगाई जाएगी एनुटी मेथड एनुटी मेथड के अंदर एक एनुटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहाँ पे उसकी असेट्स की जो डेप्रीशिएशन है वो निकाली जाती है एक एनुटी टेबल होती है और इसमें जो भी आ, अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एन टेबल में एक वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशियेबल वैल्यू बोलते हैं उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में ठीक है डेप्रिशिएशन अकाउंट में फिर आता है डेप्रिशिएशन फंड मेथड अब देखिए डेप्रिशिएशन फंड मेथड यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको फंड के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर क्या होता है हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं मूल्यवान संपत्ति जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी नई असैट परचेस करनी पड़ेगी तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो हम एक नए असेट परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर ठीक है तो डेप्रिशिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में नाम से भी इजीली यहाँ पर समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है ठीक है बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी ठीक थी, है नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड इन फंड टू अभी मैंने आपको ये एनुटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिशिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर अगर वो एनुटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है हाई रहता है लो रहता है इक्वल होता है या फिर अनप्रडिक्टेबल है तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिशन का अमाउंट होता है एन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी इसकी वैल्यू लो होती है क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एनऊट में क्या होता है एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है एन टेबल जिसको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे इन्वेस्ट uh, कर दिया जाता है एक फंड में और उस अमाउंट uh, को यहाँ पर शो किया जाता है एज ए इंटरेस्ट या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिशिएबल वैल्यू तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्य से हमेशा कम रहता है ठीक है तो यहाँ पर लोअर इसका राइट right आंसर हो जाएगा और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिशिएशन निकाला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट इज अब फिक्स असेट पर डेप्रिशिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है अ सोर्स ऑफ़ फंड एन एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑन फ्लो ऑफ नो फ्लो ऑफ फंड या फिर नन ऑफ दी अब तो देखिए अगर हम फिक्स पर डेप्रिशिएशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा ठीक है Of fund. अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा यहाँ पर तो हम एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी एक अंदाजा लग जाता है की इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है ठीक है यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं नो फ्लो ऑफ फंड ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसके लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिशन uh, निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है ना हम हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है ठीक है तो ये नो फ्लो फंड यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है

उनको ध्यान में रख के ये चीज की जाती है यहाँ पर हमारे जितने प्रॉफिट्स होते हैं इनको इग्नोर किया जाता है ठीक है तो उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं जितने भी हमारे लॉस हैं तो यहाँ पर इस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं या प्रोविजन बात कर रहे हैं डेप्रिशिएशन के लिए और यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटेंजेंसी की यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा जो भी हमारे डैड्स होते हैं जो कि हो भी सकते हैं अभी हमें नहीं पता तो उनके लिए प्रोविजन बना के रखा जाता है हमारा ऑफ कन्वेंटि ठीक है तो ऑप्शन भी राइट है नेक्स्ट है लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फाइनल एंट्री ऑल कैश एंट्री या फिर ऑल क्रेडिट एंट्री अब लेजर के लेजर जो है वो किस तरह की बुक है बताइए देखिए यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर फाइनल एंट्री होती है इसके बाद तो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फाइनल एंट्री ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल में होती है ऑल कैश एंट्री नहीं हम कैश बुक की बात नहीं कर रहे ऑल क्रेडिट एंट्री नहीं हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट की बात नहीं कर रहे जैसे कि परचेज अकाउंट क्रेडिट एंट्री होती है उसमें ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा

वो सिर्फ पहले ये देखेगी कि अगर किसी उसके पास कोई भी सरप्लस है तो सबसे पहले फर्म्स की जो लाइबिलिटी है वो पे की जाएंगी अब प्राइवेट प्राइवेट उसके डेट हैं उससे वो निपटे फॉर्म को उससे कोई लेना देने नहीं। हम यहाँ पे फॉर्म के रेफरेंस में पार्टनरशिप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो अगर कोई सरप्लस उसके पास होगा तो वहाँ पे फॉर्म के जो भी डैट्स हैं वो पे किए जाएंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड लाइबिलिटीज इन अ बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड एट अब पार्टनरशिप के नए एग्रीमेंट के द्वारा जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी अब वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी बताइए इसका आंसर ओरिजिनल वैल्यू पे वैल्यूड फिगर पे वो सॉरी रिवैल्यूड फिगर रिलाइजेबल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज देखिए यहाँ पर हम न्यू पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं उसका रिवेल्यूशन होता है तो रिवेल्यूशन होता है तो वैल्यू भी कैसी हो जाएंगी उनकी रिवैल्यूड हो जाएंगी तो उनको बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर पर ही शो किया जाता है ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है और रिलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर तब आती है जब हम बिजनेस खत्म कर रहे हों ठीक है ये पार्टनरशिप एंड हो रही हो यहाँ पर पार्टनरशिप एंड नहीं हो रही है ठीक है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रिवेल्यूड फिगर राइट आंसर हो जाएगा आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इन विच विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूसिव इविडेंस ऑफ पार्टनरशिप इसमें से कौन सा जो हमारा है कंक्लूसिव इविडेंस है पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है म्यूचुअल एजेंसी है ऑफ सम बिजनेस है या फिर ऑल ऑफ दीज है देखिए यहाँ पर कॉन्क्लुसिव एविडेंस की बात कर रहे हैं बताइए किस तरह से होगा देखिए कॉन्क्लुसिव एविडेंस जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है उनकी म्यूचुअल एजेंसी कैसी है उसके बेसिस पर सारे निर्णय लिए जाएंगे ठीक है उन्होंने एग्रीमेंट कैसा किया उसके बेसिस पर तो यहाँ पे ऑप्शन बी म्यूचुअल एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी के बेसिस सारी चीजें देखी जाएंगी कि हाँ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था आपको अब ये वाली चीजें फॉलो करनी है या आपको इतनी ड्यूटीज करनी है या आपको इस तरह से प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक तो right है तो ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म्स गेट्स अब किसी भी पार्टनर की डेथ के समय फर्म को क्या मिलती है पॉलिसी अमाउंट सरेंडर वैल्यू बोथ एंड या फिर ऑफ दी देखिए फर्म यहाँ पे पार्टनर की डेथ की बात की जा रही है तो पार्टनर की डेथ के समय जो फर्म को रिसीव होती है वो मिलती है उन्हें पॉलिसी का अमाउंट ठीक है पॉलिसी के अमाउंट को वो रिसीव करता है सरेंडर वैल्यू यहाँ पर नहीं आई सरेंडर वैल्यू तो तब मिलती है जब वहाँ पे वो सरेंड करे ठीक है तब वहाँ पे सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगी यहाँ पे सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे डेथ के बाद जैसे कि मैंने कल ही आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर फर्म जो है या सॉरी जो हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है डेथ हो या मैच्योरिटी हो उनमें से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर उसी के बेसिस पर अमाउंट मिलेगा आपको ठीक है तो यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी जो उसकी मेच्योरिटी है वो नहीं हुई है तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट उसका पूरा मिल जाएगा ठीक तो right है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय अब कैपिटलाइजेशन मेथड में बताना है कि हमें गुडविल किस तरह से ट्रीटमेंट होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज को जो हम एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब होगा सेकंड ऑप्शन है जो सुपर प्रॉफिट से उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को थर्ड ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट में जो हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था अगर आपको याद हो तो जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था या फिर मैंने इससे पहले अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी पी क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था गुडविल का बताइए देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल निकल कर कर आता है 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 उसमें हमारा जो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल कर है, वो हमारी वैल्यू आती वो होती है गुडविल की वैल्यू और जितने भी ईयर होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गुडविल की वैल्यू दी है तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में जो हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो वहाँ पर हमारे गुडविल अमाउंट निकल कर आ जाएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है

उनका रियलाइजेशन करते हैं कि रियल में कितनी वैल्यू वहां पर हमारी निकल कर आ रही है तब हम वहाँ पर बुक वैल्यू पर उनको शो करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर है अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है नेक्स्ट है और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज अब तो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं आप नंबर मुझे बता दीजिएगा मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लूंगी उन सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीक्स टू डैश ऑफ रिमेनिंग पार्टनर यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है रिटायर होता है तो वहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वहाँ से वो लीड करेगा क्या किस चीज में लीड करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन में लीड करेगा लॉस में करेगा नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर नन ऑफ दी दबअव बताइए देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जा रही है तो कोई भी पार्टनर जो है जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन होता है ठीक है क्योंकि वो बीच में कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है तो हो सकता है कि उसके रिटायरमेंट लेने के बाद ही कंपनी में लॉस आ जाए लेकिन वो तो लॉस उसको बियर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल चुका है तो यहाँ पे गेन की सिचुएशन रहती है इसलिए यहाँ पे गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी सॉरी ए हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर यानी कि जो करंट अकाउंट होता है किसी पार्टनर का वो क्या बताएगा मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस विल ऑलवेज हैव अ बैलेंस करंट अकाउंट यहाँ पर होता है कि यहाँ पर उस पार्टनर के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं कंपनी से के साथ वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर होते हैं अब हो सकता है कि उसने कंपनी से कोई ड्रॉइंग की हो ये हो सकता है की उसने कंपनी को कुछ लोन दिया हो तो दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं तो अब दोनों तरह के ट्रांजेक्शन होंगे तो हो सकता है कुछ का अमाउंट ज्यादा हो कुछ का अमाउंट कम हो इसलिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई होप सबका ये वाला आंसर क्लियर है नेक्स्ट आते हैं गारंटेड प्रॉफिट इज गिवन टू बताइए गारंटेड प्रॉफिट किसको दी जाएगी जल्दी जल्दी आंसर करिए बहुत टाइम हो चुका है हमें जल्दी से ये क्वेश्चंस सिक्सटी कंप्लीट करने हैं देखिए रिटायरिंग पार्टनर दे रखा है इनकमिंग पार्टनर हियर्स ऑफ ऑफ द पार्टनर या फिर ऑल गारंटीड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट देने का कोई मतलब नहीं बनता उसको उसको जो पहले से उसको बताया गया है कि आपके पास इतन, आपको इतना शेयर दिया जाएगा वो सिर्फ उतना ही दिया जाएगा गारंटीड का कोई मतलब नहीं है और अगर नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा सेम वही डिसीज पार्टनर का है कि अगर हुआ है तो दे देंगे नहीं हुआ है तो नहीं देंगे तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन कट गया थर्ड भी कट गया एंड फर्स्ट भी कट गया पर बचा हमारे पास सेकंड जो कि हमारा करेक्ट देखिए इनकमिंग पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बीच में अगर कोई पार्टनर आता है तो पहले उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए ना जिससे उसे लगे कि हाँ मुझे इस कंपनी में एंटर होना चाहिए इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ठीक है तो वहां पर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा है तो आप उसको कुछ गारंटेड प्रॉफिट दोगे तभी वो एंटर करेगा नहीं तो वो आपके बिजनेस के अंदर क्यों एंटर करेगा इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म अब इसमें से कौन सा इसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का आपको ये बताना है म्यूचुअल एजेंसी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन ऑफ टू मोर पर्सन और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस देखिए यहाँ पे इसेंशियल फीचर की बात की गई है जो नहीं है तो देखिए हमने जब थ्योरी क्लासेस करी थी तब वहां पे मैंने आपके साथ इसके फीचर्स को डिस्कस किया था तो अगर आपको वो पता है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं रिकॉल करिए कौन कौन से फीचर्स हमने वहां पर आपके साथ डिस्कस किए थे देखिए यहाँ पर दे रखा है म्यूचुअल एजेंसी ये बिल्कुल करेक्ट है ये वाला फीचर तो होता है मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी के बेस पर ये तो ये पूरा बिजनेस खड़ा होता है ये पूरा बिजनेस वो कर पाते हैं एसोसिएशन ऑफ और मोर पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के लिए कि दो या दो से ज्यादा होने चाहिए ये भी सही है किसी एक को लेकर ही पार्टनरशिप होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आ रहा है नौट. तो देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसका पार्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है ठीक है तो टू आंसर इसका है नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई पार्टनरशिप करेक्टर अब हमें बताना है इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है एसोसिएशन लीगल रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है वॉलट्री एसोसिएशन किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन ये तो बेनिफिट है एडवांटेज की तरह है और लिमिटेड लाइबिलिटी ये उस केस में है जब हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है तो ये भी एक तरह से फीच उनके लिए एडवांटेज है तो यहाँ पे करेक्ट एडवांटेज uh, के लिए बारे में पूछा गया है तो इनमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं वेन अ पार्टनर इज गिविंग गारंटी ले द अदर पार्टनर लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉन्ड बाय यानी कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे न, पार्टनर के लिए गारंटी ली है तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह का लॉस अराइज होता है तो कौन उसको बियर करेगा पार्टनर गिविंग गारंटी पार्टनर विद हाईस्ट रिशो पार्टनरशिप फर्म या फिर ऑल दी अदर पार्टनर फर्म है ये तो बताइए बहुत ईजी है आप इसका आंसर कर सकते हैं जल्दी जल्दी कॉमेंट करिए देखिए कोई भी पार्टनर अगर उसने गारंटी ली है किसी भी पार्टनर की और अगर वो वाला पार्टनर अपनी ड्यूटी नहीं करता है या उसकी वजह से कोई भी लॉस होता है तो जिसने गारंटी ली है सिर्फ उसी को बेयर करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बेयर नहीं करेंगे तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्टनर गिविंग गारंटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सेक्रीफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज गोल्ड अब जो सेक्रीफाइस है वो ओल्ड पार्टनर का किसके बराबर होना चाहिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर देखिये न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर तो हमारा गेनिंग रेशो होता है यहाँ पर पूछना है सेक्रीफाइजिंग रेशो जल्दी बताइए इसका आंसर होगा बी ओल्ड शेयर में जब हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आता है इसलिए ऑप्शन भी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवल्यूशन अकाउंट अब इसमें से कौन सा हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट का टाइप है पर्सनल नॉमिनल रियल या फिर नन ऑफ दीज बताइए रिवोल्यूशन अकाउंट जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है मैंने आपको बहुत अच्छे से जी समझा दिया है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है ठीक तो right है तो ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म अब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनडिफाइंड बताइए किसी भी पार्टनरशिप में जब तक वो बताई ना गई हो कि ये पर्टिकुलर लिमिटेड वाली है किस तरह की पार्टनरशिप है तो वहां पे जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right है ठीक है नेक्स्ट है अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली कंट्रीब्यूट टू दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दी फॉर्म यानी कि एक गुडविल में कौन कौन से फैक्टर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फॉर्म रेपुटेशन ऑफ द ओनर्स रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस या फिर ऑल ऑफ दी अबाउट बताइए इसका आंसर देखिए यहाँ पे गुडविल की बात की जा रही है तो अगर कोई भी फॉर्म अच्छा प्रोडक्ट बेचती है क्वालिटी उसकी अच्छी होती है तो वहाँ पर उसकी गुडविल इंक्रीज होगी ये तो सही है पॉइंट फिर है रेपुटेशन ऑफ ओनर्स यस अगर आपको पता चले कि, कि किसी बिजनेस के अंदर अभी कोई पर्सन है जो कि बहुत फेमस है और वो वहां पर उसके साथ इंक्लूड हो गया है तो आपके लिए उस कंपनी को लेकर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी ये भी सही है फिर अ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है तो वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वही गुडविल तो उसकी होगी होगी मार्केट में तो इसीलिए ये भी सही है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अ पार्टनर कौन से राइट्स जो है पार्टनर को दिए जाते हैं बोनस सैलरी कमीशन इक्वल प्रॉफिट बताइए देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अगर हम यहाँ पर बात करें इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए जबकि पार्टनरशिप एक्ट में बोनस सैलरी और कमीशन के लिए कोई बात नहीं कही गई है ये कंपनी के पार्टनर वो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि इतना इतना दिया जाएगा बोनस सैलरी या कमीशन तब तो वो दे सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया है ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है उसमें सिर्फ ये मैंशन किया गया है कि अगर कोई भी वहां पे वो लोग डीड नहीं करते हैं तो वहां पे आपस में प्रॉफिट शेयर को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट है गुडविल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ अब जो पार्टनरशिप की अंदर जो गुडविल होती है वो कब कैलकुलेट की जाती है एडमिशन पर रिटायरमेंट पर डेथ पे या फिर ऑल ऑफ दीस बताइए ऑलरेडी मैं आपको ये थ्योरी में बता चुकी हूँ अगर आपने वो सारे चैप्टर्स करे होंगे तो आज के क्वेश्चंस आपके सारे सही जाएंगे और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं प्लीज 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 अब इतने मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए ठीक है देखिए गुडविल अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है ये सभी केसेस में गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे एडमिशन के टाइम पर क्योंकि उससे मंगाते हैं हम उतना अमाउंट रिटायरमेंट में उसको देना पड़ता है डेथ के टाइम में उसके हेयर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको देना होगा ठीक है तो इन सारे कंडीशन में गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कुछ और क्वेश्चन भी हैं चलो उनको भी कर लेते हैं वैसे हमने टॉप सिक्सटी बोला था एक दो क्वेश्चन और हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन दी रिवेल्यूशन इवेल्यूशन ऑफ शेयर अमंग पार्टनर्स इन टैट रेशो बताइए किस रेशो में यहाँ पर मूल्यांकन होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर यहाँ पर आएगा इक्वल बताइए देखिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिवल्यूशन हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उस पर किया जाता है ठीक तो right है तो ऑप्शन पे बी हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है एट द टाइम ऑम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट अब रिटायरमेंट के टाइम ता, पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का uh, एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा रिलाईल्यूशन गुडविल या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताइए देखिए रिटायरमेंट जिसका हो रहा है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाता है जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं उनके अकाउंट में ठीक तो right है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट है

इसको कहा जाएगा फॉर्म का रिजोल्यूशन ठीक है क्योंकि सारे पार्टनर्स आ गए हैं इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ठीक है आई होप ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे आपके कितने मार्क्स आए प्लीज़ 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 कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं नेक्स्ट uh, वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय